Somebody once told me the world is gonna roll me. Assalam o everyone, aap sab logo ka kya haal hai? Welcome back to my cooking session. Aaj hum banayenge Marvel inspired chocolate cake. और ये बहुत ही इजी रेसिपी है और मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने क्यों चूज किया। जब से क्वारंटाइन स्टार्ट हुआ तब से मार्वल हर वीक मिशन देता है कि हमने कुछ बनाना है। सो इस वीक का मार्वल मिशन ये है कि हमने कोई भी चीज बनानी है जिसपे शील्ड का साइन लगा हो। तो मैंने सोचा कि बहुत ही अच्छा मौका आ गया कि हम एक शील्ड वाला चॉकलेट केक बनाए और उस पर शील्ड का डिजाइन सारा बनाए। सो लेट्स स्टार्ट अवर रेसिपी। इससे पहले मैं आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ। इसके बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हैं, ये बहुत इजी है। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं 3 eggs, 1 cup आइसिंग शुगर और 1 cup ऑयल और 2 teaspoon कोको पाउडर, 1 tablespoon बेकिंग सोडा और 1 cup फ्लावर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें 3 eggs डालेंगे। आइसिंग शुगर आप घर में भी बना सकते हैं ऐसे ग्राइंड करके किसी ग्राइंडिंग मशीन में। 1 cup ऑयल। इसका फर्स्ट मिक्सचर रेडी हो गया, अब हम इसको बीट कर लेंगे। कितना प्यारा सारा लग रहा है, एग्स योक सारे निकल रहे हैं। अब हमारा वेट मिक्सचर रेडी हो गया, अब हमने इसे सारा बीट कर दिया। अब हम इसमें वो दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। सो गाइस, अब हम इसमें अपना फ्लोर डालेंगे, 1 cup फ्लोर। इसे ऐसे फाइन कर लेंगे। अब 1 teaspoon बेकिंग पाउडर और 2 teaspoon कोको पाउडर। हमने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, अब हम इसे मिक्स करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। सो गाइस, अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, अब इसको मोल्ड में डालेंगे। सो गाइस, अब हमें अपने सारा मिक्सचर इस मोल्ड में डाल दिया और अब हम और इसे हम हल्का सा टैप करेंगे। सो गाइस, अब हम अपना इजी सा मिक्सचर ओवन में डाल के आने लगे हैं। जितनी देर हमारा केक बेक हो रहा है उतनी देर मैं और ओरियो वेट कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, 45 मिनट्स के लिए अपने केक को बेक करने रखा था और अब ये बेक हो गया है। अब ये सारा रेडी हो गया। मैं आपको बताता हूँ इसका ट्रिक कि अगर हम नाइफ इसके अंदर डालेंगे और वापस निकालेंगे तो अगर ये साफ आएगी तो फिर इसका मतलब है कि ये केक फुली बेक हो गया। चलें अब हम अपना टेस्ट करते हैं। मिडल में ऐसे आराम से, ये देखें बिल्कुल साफ है। इसका मतलब है कि हमारा ये केक बेक हो गया है। अब हम इसके साइड से और नीचे से बटर पेपर उतारने लगे हैं। अभी तक स्टीम निकल रही है। यस, देखिए गाइस इतना सॉफ्ट है। अब हम अपने केक को ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखेंगे और फिर हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। सो गाइस, हमने चॉकलेट सॉस बनाई और हम इस पे पोर करने लगे। सो गाइस, अब हमने अपनी चॉकलेट सॉस डाल दिया, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब हम व्हिपिंग क्रीम से इसकी डेकोरेशन करेंगे। अब हमारी शील के डिजाइन बनाने की बारी आ गई है। इसके लिए हमने ये व्हिपिंग क्रीम ली है और इसे हम मिक्स करेंगे और इसका डिजाइन बनाएंगे। अगर आपके दूध के ऊपर क्रीम आई हो तो वो भी ले सकते हैं और किसी और ब्रांड्स की भी ले सकते हैं, जैसे ऑलपर्स और मिल्क पैक या ये वाली।
इसको अब हम डालेंगे और व्हिप करेंगे अच्छी तरह। सो गाइस, अब फाइनली हमारा मार्बल केक रेडी हो गया है। आप लोगों को ये कैसा लगा? मुझे तो देखने से ही बहुत यम्मी लग रहा है। अब मैं इसे टेस्ट करने लगा हूँ। ये जो शील का साइन है, ये इसका ईगल बना हुआ है। शील एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग काम करते हैं मार्वल से, जैसे कि निक फ्यूरी और एजेंट कार्टर। सो अब हम अपना केक टेस्ट करते हैं। वाओ, ये तो बहुत सॉफ्ट है। बहुत मजे का है। ये चॉकलेट का टेस्ट बहुत ही मजे का आ रहा है। आप बिलीव नहीं कर सकते। शुक्र है ये केक बहुत सॉफ्ट बना है, यम्मी बना है और फ्लफी भी है। सो गाइस, मुझे ये केक बहुत ही अच्छा लगा है और ये बहुत ही सॉफ्ट था। और अब मैं ये केक फैमिली मेम्बर्स के साथ खाने लगा हूँ अपने। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो हिट दी लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।